सब्सक्राइब कीजिए गफ्फार टेक को और दबा दीजिए इस बेल आइकन बटन को, जिससे कि हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल जाए। दोस्तों आज मैं ये मटरलिक के बारे में, रॉयल प्ले मटरलिक का डब्बा, ये अभी फिलहाल मैं आपको मैं खाली दिखा रहा हूँ। ये रॉयल प्ले मटरलिक का है, वो खाली डब्बा है ये, तो अब इसमें है कुछ नहीं। मैं इसका डब्बा दिखा देता हूँ कैसा। दोस्तों ये टॉप कोट होता है हमारा, ये टॉप कोट होता है हमारा, आप ध्यान से देखो चारों तरफ घूमेंगे, ये टॉप कोट होता है, इससे हमारा डिजाइन निकलता है। ये हमारा मटेरियलिक में 1150 या फिर 1100 की आसपास में मिलता है ये। दूसरा इसके जो अंदर डब्बा ही निकलता है वो किस कलर का निकलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये इस कलर का निकलता है, जैसे ये आप देख रहे हो इस कलर का डब्बा होता है ये। देखो आपको दुकानदार अगर देता है तो आप ध्यान देना, ये मटेरियलिक में डब्बा इस कलर का, अगर नॉन मटेरियलिक होगा तो भी इसी कलर का होगा आपका डब्बा वो, ये वाला। और ये दोस्तों ये हमारा आप जानते हो रॉयल है, इसका बेस कोट लगाते हैं हम। और अगली बार अगर आप करते हो काम तो इसका ही बेस कोट लगाना, कोई और कंपनी का बेस कोट मत लगाना, यही चीज है। और इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों करते हैं शुरू वीडियो, मैं आपको बताता हूँ। काट दिया क्या वो? नहीं चल रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गफ्फार है और मेरे चैनल का नाम गफ्फार टेक है। जैसे कि आप जानते हो तो मैं हर एक वीडियो एक तकनीक के लिए लेके आता हूँ, मतलब एक जानकारी के लिए लेके आता हूँ। तो आज फिर मैं एक जानकारी लेके आऊँ और उस जानकारी में और उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि हमारा रॉयल प्ले का जो टेक्सचर करना है हमने तो वो किस तरह करते हैं और किस तरह उसका पैटर्न डालते हैं, किस तरह उसका बेस बनाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी रॉयल प्ले की किताब है, ये किताब है हमारी, ये रॉयल प्ले की किताब है, ये हमारी पूरी मटेरियलिक में, ये हमारी पूरी मटेरियलिक के अंदर मटेरियलिक है। जैसे ये रैगिन हो गया, ये क्रिंकल हो गया, ये स्पेशला हो गया। तो दोस्तों मैं ज़्यादा आपका समय नहीं ले सकता और मैं ज़्यादा आपको समय मैं लूँगा आपका, लेकिन क्या है कि मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो थोड़ा थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब थोड़ा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा देर भी नहीं है। तो उसमें मैं आज रॉयल प्ले के बारे में सारा कुछ समझा दूँगा आपको किस तरह से करते हैं उसको। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर ये हमारी दीवार है, अगर नई दीवार है तो नई दीवार पर आपने दो फिलिंग, नई दीवार पर जैक के वाल पुट्टी या बिल्ला पुट्टी की नई दीवार पे आपने दो कोट फिलिंग करनी है। दो कोट फिलिंग हो गई, उसके बाद आपको लगता है दीवार का बेस सही नहीं है और हमें कोई प्रॉब्लम है दिखाई दे रही, तो एक और कर सकते हो उसके ऊपर, प्लेन बेस होना चाहिए। अगर रॉयल का जब टेक्चर हम करते हैं रॉयल प्ले का, तो उसमें हमारा बेस बिल्कुल, मतलब ये पूरी दीवार साफ होनी चाहिए, कहीं इंडुलेशन या डब नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये चीज हमारी साफ नहीं है तो उसको एक फिलिंग और मार दो, आप तीन फिलिंग कर दो, उसके बाद आप एक प्राइमर लगा दो, प्राइमर लगाओ सारी दीवार झाड़कर 320 पे रेगमार मार लो पहले, जो हमने तीन फिलिंग करी पुट्टी पे 320 पे रेगमार मार लो। रेगमार मारने के बाद में आपने उसको अच्छी तरह से झाड़ू से या ब्रश से या कपड़े से साफ करना है। जब वो आपका साफ हो जाता है, साफ होने के बाद में आपने क्या काम करना है, उस पर प्राइमर मारना है। प्राइमर के बाद तीन कोट आपने रॉयल के मारने हैं। जब प्राइमर सूख जाता है तो रॉयल लग्जरी वेल्सन, यानी उसको हम बोलते हैं बेस कोट, जो बेस कोट बोलते हैं रॉयल, जो हमारा टेक्चर बनाते हैं, तो उसका बेस कोट सिर्फ रॉयल के लगाना है आपने, और किसी कंपनी का नहीं लगाना, ना ही आपने एपेक्स लगाना, ना ही प्लास्टिक लगाना, ना ही एल्टीमा लगाना, मतलब कोई दूसरी कंपनी या दूसरा माल यूज ही नहीं करना आपने, सिर्फ रॉयल के ही बेस लगाना है, वो भी तीन कोट। जब आपके तीन कोट लग जाते हैं, जब तीन कोट आपके लग जाते हैं तो उसमें आपने क्या काम करना है कि उसको कम से कम 8 से 10 घंटे तक सूखने देना है। 8 से 10 घंटे जब सूख जाएगा और आपने ये डिजाइन निकालना है तो कभी भी याद रखना सुबह सुबह में निकालना है, सुबह सुबह में आपने डिजाइन निकालना है, दोपहर में और शाम में नहीं निकालना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो उसमें जोड़ आने का खतरा रहता है बहुत ज्यादा। और आपको बताता हूँ टॉप कोट जो है हमारा, जो रॉयल प्ले का, एक तो नॉन मेटेरियलिक होता है रॉयल प्ले नॉन मेटेरियलिक, और एक होता है हमारा रॉयल प्ले मेटेरियलिक। तो एक मेटेरियलिक जो है उसमें तो हम 150 ग्राम पानी मिलाते हैं 1 लीटर में, जो टॉप कोट हमारा रॉयल मेटेरियलिक रॉयल प्ले मेटेरियलिक होता है उसमें सिर्फ 150 ग्राम पानी मिलाते हैं। अब एक होता है हमारा रॉयल प्ले जो नॉन मेटेरियलिक होता है, उसमें हम 200 ग्राम मिलाते हैं पानी, यानी मेटेरियलिक के अंदर 150 ग्राम और नॉन मेटेरियलिक के अंदर 200 ग्राम पानी, इससे ज़्यादा मत मिलाना वरना आपका डिजाइन खराब हो जाएगा। और कुछ डिजाइन ऐसे भी हैं जिनमें कि 50 ग्राम पानी पड़ता है, तो वो अगली वीडियो में बताऊंगा, इसमें फिर फिलहाल में इतना ही बताऊंगा मैं आपको। अब इसका बताता हूँ कि टॉप कोट चढ़ाना कैसे है,
जो हमारे पेंटर भाई बोलते हैं कि यार इसमें जोड़ आ जाते हैं। तो दोस्तों जोड़ आएंगे, सबसे पहले तो आपने माल चढ़ाना, माल अगर अच्छी तरह से आप चढ़ाओगे तो जोड़ आपका नहीं आएगा। अगर आप माल अच्छी तरह से नहीं चढ़ाओगे तो जोड़ आपका 100% डेफिनेटली आने आना है, मतलब बहुत जरूरी है कि जोड़ आगे आएगा। तो आपको मैं माल चढ़ाने का आइडिया बताता हूँ। जैसे कि आपने माल बना लिया, एक लीटर में हमने मेट्रेलिक की बात करते हैं, मेट्रेलिक में हमने एक लीटर में 150 ग्राम पानी डाल दिया, उसके बाद माल हमारा तैयार हो गया। हमारा एक पैटर्न रूलर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पैटर्न रूलर के लिए एक मिनट रोक ले। दोस्तों ये है हमारा पैटर्न रूलर, ये आम रूलरों की तरह ही है, इससे हम पैटर्न डाल सकते हैं टॉप कोट का। ये हम बड़े बड़े बाल होते हैं, इसको हर एक हार्डवेयर की पेंट की दुकान पे मिल जाएगा आपको, जो भी पेंट की दुकान होगी उस पर मिल जाएगा। और इतने इतने बड़े बाल होते हैं इसके, ये देखो ये बाल हैं, और इससे हम टॉप कोट डालते हैं। और ये है दोस्तों हमारी रैगिन, ये है रैगिन, अभी ये थोड़ा सूख गई है तो थोड़ी सी ये इसके फूल से जो है ये अपने दब गए हैं, तो इस करके ये ऐसी लग रही है। तो ये भी आपको हार्डवेयर की दुकान पे मिलेगी, अगर एशियन कंपनी का लोगे 650 से 700 तक मिलेगा आपको, अगर लोकल में मिलोगे तो 350 से 400 तक का ये मिल जाएगा। अगर एशियन का लोगे तो 6 इंची का मिलेगा, 9 इंची का नहीं मिलेगा। और ये हमारा आपको देख ही जाएगा, ये लोकल में ले सकते हो तो 9 इंची का लोकल में मिल जाएगा। एशियन कंपनी में जो है वो सिर्फ 6 इंची का ही रैगिन रूलर, इसको बोलते हैं रैगिन रूलर, इसको बोलते हैं पैटर्न रूलर, जिससे हम पैटर्न डालते हैं। अब बात करते हैं पैटर्न डालना कैसे। तो दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ कि एक लीटर में हमने 150 ग्राम पानी डाला रॉयल पिले मेट्रेलिक में, जब हमारा रॉयल पिले रॉयल का बेस बन जाएगा 3 कोट, सुबह सुबह डिजाइन निकालना है। तो सबसे पहले बताता हूँ पैटर्न डालना कैसे। ये है हमारा पहला कोट। अगर हम यहाँ से अगर शुरू करते हैं, अगर इस जगह से शुरू करते हैं, तो ये दीवार अगर हमारी 100 फीट की दीवार है, तो यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो ये दीवार हमारी पहला जो कोट आएगा वो हमारा आएगा इतना, यानी 3 फीट चौड़ा, और मैक्सिमम इसको 4 फीट ले लेंगे, 3 फीट चौड़ाई में और 4 फीट लंबाई में इसको लेंगे। तो हमने इस पर अगर माल चढ़ा दिया इस तरह से, इसको हम इस तरह से माल चढ़ा सकते हैं इस तरह से। अभी अगर एक बार में हमारी सेटिंग नहीं आ रही है तो इसको हम डबल में सही लेंगे, मतलब हमने माल प्रॉपर चढ़ाना है, बराबर चढ़ाना है माल। तो इससे हम 2 बार या 3 बार में इसको सेट कर सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी, फिर उसके बाद इस तरह से कर सकते हैं, मतलब माल हमें बराबर दिखना चाहिए दीवार पे इस जगह। उसके बाद दोस्तों आप दो होंगे साथ में आपके, एक माल चढ़ाएगा बंदा और एक आपका काम करेगा यहाँ पे। तो आपने क्या करना है कि पहला बंदा जो यहाँ माल हमने चढ़ा दिया है तो वो यहाँ पे हमारा डिजाइन निकालेगा, यहाँ पे डिजाइन निकालेगा, दूसरा जो हमारा यहाँ पे माल चढ़ाएगा, तो उसने भी हमारा यही 3x4 का पीस एक और ले लिया, 3x4 का पीस एक ले लिया 100 फीट की दीवार, बता रहा हूँ मैं आपको 100 फीट की दीवार के लिए। तो ये हमारा दूसरा नंबर, ये था हमारा पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। तो यहाँ पे जो बंदा डिजाइन निकाला वो तो दिखा नहीं रहा है, इसके बाद इसने भी ये माल यहाँ पे हमारा एक्सार करके चढ़ा दिया और यहाँ पे चढ़ गया है अच्छी तरह से। तो इसके बाद ये डिजाइन निकाल के यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो बंदा है हमारा, जो दूसरा जो काम करने वाला है यहाँ पे, तो वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा तीसरा, मतलब ये भी हमने 3x3 का ले सकते हैं, दूसरा पीस जो लोगे आप 3x3 का लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना, 3x4 का नहीं लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये यहाँ पे डिजाइन हमारा निकल गया, यहाँ पे ये डिजाइन निकालेंगे, तो जो हमने ये पैटर्न चढ़ा दिया यहाँ पे भी हमने इसी तरह से माल चढ़ाना, ये जोड़ जो आया है हमारा यहाँ पे, तो इसको हमने क्या करना है कि यहाँ पे इस तरह से माल को स्टार करना है, इस तरह से स्टार करने के बाद इसको यहाँ पे डिजाइन है हमारा, और इस तरह से हम इसको बराबर कर दिया, ये हमारा बराबर हो गया। तीसरे नंबर पे जो हमने माल चढ़ाया था बंदा, वो यहाँ पे माल चढ़ा के निकल गया है। उसके बाद यहाँ से सीधा आपने माल सीधा यहाँ पे चढ़ाना है, ये आ गया हमारा 4 नंबर, ये है हमारा 4 नंबर। इस 4 नंबर पे यहाँ पे आ जाओगे, माल यहाँ पे चढ़ाएगा, माल और जो हमारा डिजाइन निकालने वाला बंदा वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डिजाइन निकालेगा। उसके बाद हमने क्या काम करा कि यहाँ पे भी आके हमने इतना माल चढ़ा दिया, लेकिन जो ये जो निशान है इसको हमने थोड़ा सा आगे ऊपर नीचे लेना है, ये वाला भी जो हमारा दूसरा है तो इसको भी हमने थोड़ा सा इतना लेना है, मतलब ये जोड़ जो है बराबर नहीं रखना है, इसको हमने कम बढ़ती रखना है,
जैसे ये है, आपने देखा यहाँ पे मैंने इतना कर दिया, इसको इतना कर दिया और इसको इतना कर दिया, मतलब बराबर नहीं रखना। अगर बराबर रखोगे तो सीधी लाइन की जोड़, यहाँ से सीधी जो लाइन पड़ेगी उसका जोड़ आ जाएगा, और जोड़ आ जाएगा तो मतलब आपका टेक्सचर डेफिनेटली खराब हो जाएगा, मतलब उसको संभालने वाला कोई नहीं है, नहीं आप संभाल सकते, नहीं मैं संभाल सकता। और आप लोगों को मैंने बताया जाएगा टेक्सचर सुबह में करना है, और जो मैंने सारा कुछ बताया वो आपको पता ही है। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो डिजाइन निकाल रहा है वो यहाँ पे निकाल दिया हमने, माल चढ़ा दिया। अब ये बंदा हमारा इधर आ जाएगा, यहाँ पे आके ये डिजाइन निकालेगा। अब जो है दूसरा जो बंदा है जो माल चढ़ा रहा है, पैटर्न चढ़ा रहा है हमारा, तो वो जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस जगह, उसने फिर इतना चढ़ाया माल, यानी ये बराबर नहीं रखा, इसको इतना चढ़ा दिया, फिर उसने यहां से आके ये चढ़ा दिया। उसके बाद जब मैंने फिर दोबारा से माल चढ़ाया दूसरे बंदे ने, तो वो डिजाइन वाला यहाँ पे डिजाइन निकाल रहा है, इसका तो डिजाइन यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ माल चढ़ गया। इसके बाद क्या करना है, हमने सीधा इधर नहीं चढ़ाना, इधर नहीं चढ़ाना है, ये तीन नंबर है तो यहाँ पे हमारा पांच नंबर आएगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर, यहाँ पे हमारा पांच नंबर आएगा। अब तीन के नीचे हमारा छह नंबर आएगा, ये हो गया हमारा छह नंबर। तो ये जो हमने चढ़ा दिया इतना माल, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैंने डिजाइन निकाल दिया और यहाँ पे माल आपका चढ़ गया है, ये माल चढ़ गया छठे नंबर पे। अब हमने क्या करना है कि ये डिजाइन वाला बंदा जो है, जो डिजाइन निकाल रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, और छह नंबर ये जो हमारा माल चढ़ा रहा है वो सीधा यहाँ पे पहुंचेगा हमारा, ये आएगा हमारा सात नंबर, ये हमारा इस जगह सात नंबर आएगा। दोस्तों आपने देखा किस तरह से है ये, कि पांच यानी एक दो, फिर दो उसके बराबर में, दो के बराबर में चार है, फिर तीन है, पांच है, सात है, फिर यहां पे छह, इस तरह से हमारा माल चढ़ता है। उसके बाद अब दीवार हमारी 100 फीट होने वाली है, तो सात क्या हो गया, यहाँ पे डिजाइन निकाल दिया, यहाँ पे हमने माल चढ़ा दिया, यहाँ पे भी डिजाइन निकल गया। अब हमारा जो आगे माल चढ़ाने की बारी है, तो हमने फिर दोबारा से यहाँ पे चढ़ा दिया माल, यहाँ पे चढ़ाने के बाद हमारे एरिया जो बचा है, अब ये डिजाइन निकालने वाले भाई तो यहाँ पे आ गए, एक बंदा यहाँ पे डिजाइन निकल रहा, दोबारा से हमने जो माल चढ़ा दिया तो ये हमारा पूरा हिसार हो गया है, और ये जोड़ था वो हमने मिला दिया। इसके बाद यहाँ पे माल चढ़ाएगा, ये हमने यहाँ पे भी माल चढ़ा दिया, और यहाँ पे डिजाइन वाला बंदा आके डिजाइन निकाल देगा अपना। उसके बाद हमारा जो बचेगा एरिया वो बचेगा आधा फुट या एक फुट, हमने एक फुट आधा फुट छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि अगर हम पूरा लेते हैं तो नीचे कभी कभी ऐसा होता है तार होती है, केबल होती है, पाइप होता है, तो उसमें हमारा काफी टैम वेस्ट हो जाता है और खराब हो जाता है टैम। जब उसमें टैम खराब हो जाता है तो उसमें जोड़ आ जाते हैं, जब उसमें जोड़ आ जाते हैं तो इस करके हमने जो एक फुट जगह छोड़ दी है, क्योंकि नीचे जो एरिया है ना उसमें हमेशा टैम लगता है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे हमने केबल या तार डाली होती है, यहाँ पे ऐसे कुछ अंडरग्राउंड होती है तार, तो कुछ इसके यहाँ पे होती है तार है, तो ये हमने तारों की वजह से एक फुट एरिया छोड़ दिया जिससे कि हमारा टैम बचे। तो उसके बाद ये हमारा डिजाइन निकाल दिया, इसके बाद हम यहाँ पे अपना पूरा माल चढ़ा सकते हैं, ये इस तरह से ये हमारा माल चढ़ गया। उसके बाद जब माल चढ़ जाता है, माल चढ़ने के बाद में यहाँ से बंदा अपना डिजाइन आराम से निकाल सकता है, और माल चढ़ाने वाले का काम यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, माल चढ़ाने के बाद काम उसका खत्म हो जाता है। तो आपका यहाँ पे नहीं, आपका ये जोड़ आएगा, ये जो जोड़ बना था आपका यहाँ पे, ये भी कोई जोड़ नहीं आने का आपका, क्योंकि ये नीचे की साइड आ गई, और इस जगह से और इस जगह तक आप 10 फुट की जगह में या 15 फुट की जगह में, इस जगह से इस जगह तक जाने में आप कितना समय लगाओगे, माल से ज्यादा ज्यादा 2 मिनट या 3 मिनट लोगे, तो 3 मिनट या 2 मिनट का कोई जोड़। द्वारा से ये आपकी दीवार कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने आपको बता दिया है वन बाई वन किस तरह से माल चढ़ता है, वैसे ही आपको फिर बता रहा हूं मैं। पहली बार पहला कोट, पहला पैटर्न, इससे हम चढ़ा सकते हैं कितनी बार इसको, मतलब बराबर करना। दूसरा हमारा यहां आएगा, तीसरा ठीक इसके नीचे आएगा, चौथा फिर हमारा ठीक इसके बराबर में आएगा। दोबारा से ध्यान दे लेना किस तरह से हम पैटर्न चढ़ाते हैं हम टेक्चर का, और किस तरह से माल, और किस तरह से हमने ध्यान निकालना है। उसके बाद में चौथे के बाद यहाँ पे पांचवा आ जाएगा, उसके बाद पांचवे के बाद हमने पूरा छठे पे जाना है, ये आएगा हमारा छठा। उसके बाद फिर सातवें पे जाना है, सातवें के बाद यहाँ पे फिर हमने आठवें पे जाना है, ये आठवां है हमारा। उसके बाद ये हमारा नौवां है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप अपना डिजाइन निकाल सकते हो।
पहला मैं आपको बता देता हूं, पहला कोट, दूसरा कोट, उसके बाद तीसरा कोट और ये हमारा चौथा कोट। यहां से जो जाएगा इधर को, ये यहां पे जाएगा चौथे कोट में, आइडिया आप लगा सकते हो। और ये हमारा पांचवा कोट हो गया, उसके बाद यहां छठे पे चलाएंगे, उसके बाद सातवें पे, उसके बाद आठवें पे, ये नवे, ये दोनों पैटर्न एक साथ चढ़ जाएंगे आपके जब आप चढ़ाओगे। उसके बाद जो एक फुट जगह बचेगी हमारी, ये हम बाद में कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको काफी कुछ समझाया है और अपनी समझ में जितना भी मेरे को हो सका उतना मैंने समझा दिया, क्योंकि आप परेशान हो जाते हो और बोलते हो कि तो हमारे सर जोड़ आ रहे हैं, तो मैं उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और जब भी आप वो रॉयल पे लेकर काम करते हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसी तरह से माल चढ़ाएं। अगर इस तरह से अगर माल चढ़ाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, और आप इस तरह से अगर माल नहीं चढ़ाते हो तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हमारी रॉयल प्ले की किताब है। अगली जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ तो दोस्तों मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये हमारे जो टेक्सचर है इसके साथ कौन सा कलर दूसरी दीवार पे मैच करेगा। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ सिंपल ये वीडियो समझाई है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। और दोस्तों मैं एक चीज और दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे जो ये है कलर होते हैं, इसमें कॉमिंग के, रेगिंग के सारे कलर होते हैं। ये तो ये हमारी मेटेरियलिक की है, इसमें नॉर्मल में भी होती है। तो मैं अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि इसके साथ कौन सा कलर तीन दीवारों पर लगेगा, वो भी मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 100% समझाऊंगा, और कौन से कलर से कौन सा टेक्सचर मैच करेगा और कलर के नाम भी बताऊंगा आपको। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर अपने जितने भी दोस्त हैं हमारे उनमें शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर जो हमारे नए जुड़े हैं तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं, और जो हमारे पहले से हैं जुड़े हुए तो उनसे मैं कहता हूं कि आप सबका बहुत धन्यवाद, आप सबने मेरा बहुत साथ दिया है और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और दोस्तों ये वीडियो मेरी लास्ट वीडियो और मैं लेके आ रहा हूं कल सुबह में, ये वीडियो मेरी आज की है। तो जब तक के लिए विदा लेता हूं मैं।